निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में एप्लीकेशन का नाम और स्प्रेडशीट का नाम दोनों प्रदर्शित करता है, यानी कि ऐसा कौन सा फीचर है जिसमें हम दोनों एप्लीकेशन का नाम भी देख सकते हैं और स्प्रेडशीट का नाम भी देख सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर होता है, जो कि हमारे सबसे टॉप पर होता है, वो कौन सा है आपका टाइटल बार। सिर्फ टाइटल बार पर ये हम देख सकते हैं। टूल बार से हम फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। टास्क बार नीचे नीचे होता है, जो कि खुद एक्सेल एप्लीकेशन का नहीं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। इसके मेन्यू बार की बात करें, जिसमें हमें बहुत सारी टैब्स दिखाई देती है, उसको हम मेन्यू बार बोलते हैं, जो कि टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, एमएस एक्सेल में सेल संपादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना, सेल एडिटिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और वो भी क्या पूछा है कि गलत स्टेटमेंट को आपको पता करना है, सही नहीं करना है, गलत पूछा है। तो देखो, सेल का चयन करें सूत्र पट्टी पर, यानी आपको फॉर्मूला बार पर भी, इंग्लिश में देखें ये सूत्र पट्टी शुद्ध हिंदी हो जाता है, इसकी बजाय आप इंग्लिश पर ध्यान देंगे तो शायद क्वेश्चन ज़्यादा। और ध्यान रखना, अधीनस्थ बोर्ड मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश में कुछ भी करेक्शन छूटता है, भाषा बदलती है, तो हमेशा इंग्लिश को सही मानता है, तो आप फोकस इंग्लिश पर ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना। एडिटिंग, देखो सेल एडिटिंग से रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट आपसे पूछा है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला बार से भी एडिट कर सकते हैं, डबल क्लिक से भी हम कर सकते हैं, दूसरा F2 की से भी हम कर सकते हैं, तो फंक्शन की है F2, इससे भी, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन F5 से हम नहीं कर सकते। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन D रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में तालिका में स्तंभों की चौड़ाई बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यदि आपको कॉलम की विड्थ में चेंज करना है वर्ड की टेबल के अंतर्गत, तो कहाँ से कर सकते हैं? तो आपको पता है, टेबल में या किसी की भी विड्थ या हाइट में हमें चेंज करना हो तो दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो हम रोलर से कर सकते हैं या फिर हम टेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाके कर सकते हैं, यानी जो टैब खुलती है उनके अंतर। तो यहाँ रोलर ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास में? टेबल प्रॉपर्टीज। ध्यान रखना, MS वर्ड में जब भी आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो उसमें दो आपकी स्टैंडर्ड टैब खुलती हैं, एक का नाम होता है आपका डिज़ाइन और एक खुलती है आपकी लेआउट। ऐसे आप चेक करना इसको प्रैक्टिकल, ठीक है ना, डिज़ाइन और लेआउट। लेआउट से रिलेटेड सारे चेंज यहाँ होते हैं और डिज़ाइन से रिलेटेड यहाँ होते हैं, तो लेआउट में आपको मिल जाएगा टेबल की प्रॉपर्टीज़। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दूसरा, यदि वार से डायरेक्ट करना चाहें तो इसकी जगह आप रिप्लेस, एक क्वेश्चन आप ले सकते हो कि आप रोलर की सहायता से भी हाइट और विड्थ में चेंज कर सकते हो, रोलर की सहायता से भी। नेक्स्ट, ईमेल हेडर के क्षेत्र में सीसी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो एकदम सिंपल है, कार्बन कॉपी। दूसरा होता है BCC, जो कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी में सारे के सारे जो भी रिसेप्शनिस्ट होते हैं, रिसीवर होते हैं, वो एक दूसरे की मेल आईडी देख पाते हैं, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में एक दूसरे की मेल आईडी उनको शो नहीं होती है। इतना ही डिफरेंस है, और कोई नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, एमएस वर्ड में अनुच्छेद में यानी पैराग्राफ में एक वाक्य का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यदि आपके पास एक पैराग्राफ और उसमें कई सारे सेंटेंस हैं, तो सिर्फ सेंटेंस को यदि आपको सेलेक्ट करना है तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो मैंने आपको हमेशा क्लास में बताया है कि देखो, डबल क्लिक करते हैं तब तो एक शब्द सेलेक्ट होता है, ट्रिपल क्लिक से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। तो यदि हम ट्रिपल क्लिक की बात करें तो इससे तो पूरा का पूरा क्या सेलेक्ट होता है? आपका पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, ठीक है। और यदि मुझे सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो उसके लिए मुझे कंट्रोल के साथ क्लिक करना होगा। किसके साथ? कंट्रोल के साथ। इससे बिल्कुल सेंटेंस सेलेक्ट होता है। दूसरा एक और की है, जो है आपकी F8 की। F8 की को यदि हम तीन बार प्रेस करते हैं, कितनी बार? तीन बार प्रेस करते हैं तो भी आपका क्या सेलेक्ट होगा? सेंटेंस सेलेक्ट होता है F8 को तीन बार से। ध्यान रखना, दो ऑप्शन है, कंट्रोल के साथ क्लिक से और F8 को तीन बार क्लिक करने से। और डबल क्लिक यदि हम करते हैं तो इससे ध्यान रखना वर्ड सेलेक्ट होता है, सेंटेंस नहीं होता। क्या होता है? वर्ड सेलेक्ट होता है, कोई भी एक शब्द सेलेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि कन्फ्यूजन वाले हैं, एकदम ईजी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में किसी तालिका में, यानी आपको टेबल की बात की जा रही है, जो भी पावर पॉइंट के अंतर्गत, पंक्तियों और स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी रो और कॉलम की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपको पता होगा पावर पॉइंट में मैक्सिमम कितनी होती है? 75। रो भी और कॉलम भी दोनों की सेम रहती है, तो आंसर होगा इसका 75। ये हमारी वर्ड की टेबल में होती है। ये किस में होते हैं?
वर्ड की टेबल में, ठीक है ना। और ये हमारे एक्सेल, कहाँ से, 2007 से एक्सेल सीट में, और ये एक्सेल 2003 तक, एक्सेल 2003 तक, तो ऐसे भी याद रख लो, देखो सब याद हो जाएंगे यहाँ पर आपको, वर्ड भी, एक्सेल के नए पुराने वर्जन भी, और ये आपका पावर पॉइंट। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में लेन फंक्शन किस श्रेणी से आता है, तो लेन फंक्शन आता है हमारा टेक्स्ट की श्रेणी से, किससे, टेक्स्ट। काम क्या आता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए की इक्वल टू लेन, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर बाय विनोद सर, कंप्यूटर बाय विनोद सर, तो अब इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं, और जिसमें आपको स्पेस को भी कैरेक्टर के रूप में काउंट है करना होता है। तो देखो कंप्यूटर में कितने हैं, 3, 3, 4, 2, 8 तो कंप्यूटर में है, 2, ये देखो 8, ये 2, ये आपके 5 और ये 3। अब एक स्पेस ये रहा, एक स्पेस ये रहा, और एक स्पेस ये रहा, 3 स्पेस हैं। 8 और 2, 10, 10, 5, 15, 15 और 3, 18, 18 और 3 स्पेस, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 21 कैरेक्टर, तो आंसर हो गया 21। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, यानी थ्योरेटिकली या न्यूमेरिकली दोनों तरीके से क्वेश्चन बढ़ता है, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से किस मेन्यू टैब के अंतर्गत पृष्ठ सेटअप विकल्प आमतौर पर एमएस वर्ड 2007 में उपलब्ध होता है, यानी आपसे पूछा जा रहा है पेज सेटअप के जो ऑप्शंस होते हैं जिनमें हम मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज साइज इन सब में चेंजेस करते हैं, वो कौन से टैब के अंतर्गत होते हैं, तो वो होते हैं आपके किस में, पेज लेआउट टैब में, पेज लेआउट टैब के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो तीन आपको सर्च इंजन है और एक ऑप्शन बिंग सर्च इंजन है, आस्क याहू, ये तीनों सर्च इंजन है, सफारी ये हमारा क्या है, एप्पल का ब्राउजर, एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया ब्राउजर है, ठीक है, iOS यूजर्स के लिए, मैक यूजर के लिए। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है, जिसमें हम कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग कर सके, तो देखो फॉन्ट स्टाइल भी कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग होती है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना, ये सब किसके फॉन्ट स्टाइल का हिस्सा है, ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट चेंज करना ये भी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट की साइज चेंज करना ये भी क्या है, कैरेक्टर की तीनों कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है, लेकिन अलाइनमेंट ये हमेशा ध्यान रखना किसकी फॉर्मेटिंग है, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है, अलाइनमेंट कभी किसी एक सिंगल कैरेक्टर का नहीं होकर के हमेशा किसका होता है, पैराग्राफ के लिए होता है, ना एक शब्द ना एक लाइन, हमेशा पैराग्राफ पर अप्लाई होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अलाइनमेंट, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से संबंधित है, कैरेक्टर से नहीं है। नेक्स्ट, वर्तमान पंक्ति के पहले स्तंभ में सक्रिय कक्ष को ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, मान लीजिए ये आपके पास कोई टेबल है, ये आपके पास क्या है, कोई टेबल यानी कोई स्प्रेड शीट है, इस तरीके से ABCDE, ठीक है, और ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे समझ लें। अब ये बोल रहा है देखो, वर्तमान पंक्ति के, मान लीजिए अभी आप रिसेंटली 4 नंबर पंक्ति में यहाँ पर है, ये आपकी वर्तमान पंक्ति है, 4 नंबर रो और डी नंबर कॉलम, पहले स्तंभ में, वर्तमान पंक्ति के पहले यानी फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये रहा, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम में एक्टिव सेल को यानी यहाँ से यहाँ जाने के लिए पूछ रहा है, कहाँ आना है आपको, इस जगह पर, तो इस पर आने के लिए हम किसका यूज करेंगे, होम, यदि आपसे पूछता है यहाँ पर तो हम यूज करते किसका, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम, तो आंसर क्या होगा इसका, होम की, ये रो की फर्स्ट सेल है, किसकी बात कर रहा है, रो की फर्स्ट सेल के लिए, ठीक है ना, यदि कॉलम यहाँ से यहाँ जाने के लिए पूछता कि सर करंट कॉलम की पहली सेल में जाना हो तो इसके लिए फिर आप यूज करते कंट्रोल के साथ, तुम्हें सॉरी डायरेक्ट आप यूज कर सकते थे कंट्रोल के साथ पेज अप, कंट्रोल के साथ पेज अप या फिर अपर एरो की, अपर एरो की, एरो की है, तो ऐसे आप अलग अलग कंडीशन से देखें तो एक ही क्वेश्चन में आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और ये हमेशा सीट की, ये तो रो की फर्स्ट और ये सीट की फर्स्ट सेल के लिए, सीट की फर्स्ट सेल।